हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त हफीज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल हॉबी द क्रिएटर। आज वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन वीडियो बनाना पड़ा है मुझे। एक वीडियो बनाना पड़ा एक बात के लिए, जो खान सर है, आप लोग जानते हैं खान सर जीएस रिसर्च सेंटर का जो ओनर है, जो खान है, खान सर जो बच्चे को पढ़ाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो यूट्यूब में बहुत बात फेमस है, उनको पूरा दुनिया से लोग जानते हैं। पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या लंदन हो, बहुत दूर दूर तक उनका वीडियो वायरल होता है और उनका वीडियो एडिट करके आदमी बनाते भी है, ठीक है। तो रिसेंटली खान सर को नाम बताने में प्रॉब्लम होता है। खान सर अपना नाम किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम इतना क्या है नाम बताने में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर है, एक छोटा सा बच्चा को आप नाम पूछेंगे, बेटा आपका नाम क्या है, वो तो खुद बता देंगे, हाँ मेरा नाम ये है। अरे नाम तो बताने के लिए रखा जाता है ना भाई, नाम माँ बाप रखते हैं इसलिए कि नाम किसी को बताया जाए, नाम के द्वारा इसको पहचाना जाए कि हाँ ये बंदा ये है, ये गोरा सा, काला सा, पतला सा, दुबला सा, जो भी है आदमी का जो शरीर जैसे भी रहता है, हाँ इनका नाम ये है। चाहे कोई मोटू आ रहा है, कालू आ रहा है, ऐसा थोड़ी बुलाया जाता है यार, उसका नाम होता है, नाम से आदमी को बुलाया जाता है। जैसे कि हाँ मेरा नाम हफीज़ है, हाँ हफीज़ आ रहा है भाई, हाँ नाम से पता चल कौन आ रहा है, ये बंदा आ रहा है, पता चल गया ये बंदा आ रहा है। लेकिन एक बंदा है भाई खान सर, इनको तो मीडिया तक भी नहीं छू रहा, भाई नाम बताइए यार, नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है खान सर? आपका माँ बाप तो आपका नाम रखा है ना, फिर आप हिंदू या मुसलमान है ये भी लोगों को पता नहीं, नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? नाम बता देना चाहिए आपका, हाँ मेरा नाम ये है, मुस्लिम है या हिंदू है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम है यार। इंडिया में रहते हुए अगर आप बोलेंगे कि यार इंडिया में नाम का ज़रूरत ही नहीं है, तो आदमी बच्चा का नाम थोड़ी रखता था, ऐसे ही रख देता था, साला कुछ भी बता दो कोई पूछने से, नाम मत बताओ यार, नाम से क्या मतलब है, आदमी को पहचानो, ये थोड़ी होता है। नाम इसलिए रखा जाता है कि इस आदमी को नाम से ही पहचाने, नाम से इस आदमी को पहचानना चाहिए। अभी आप नाम नहीं बता रहे यार, मीडिया वाला भी पगला गया। देखिए जो इंटरव्यू है खान सर का लिया हुआ, थोड़ा सा इंटरव्यू हम दिखाते हैं आपको, जो पूछा गया खान सर को नाम, बोलता है इनको जब तक 10 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तब तक वो नाम नहीं बताएंगे। अरे माँ कसम यार, नाम बताने के लिए भी एक टारगेट है यार, टारगेट रखना पड़ेगा नाम बताने के लिए, फेमस होने का अच्छा तरीका है। देख लीजिए वीडियो, पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, नया हो यार, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है। बताइए आपको नाम बताने में तकलीफ क्या है? आपको तो अपना नाम है जो आपके माता पिता ने रखा है, आपके नाम स्कूल में भी है, तकलीफ नहीं है, सारे लोग जानते हैं, आपने जो प्रोफेशनली जानते हैं वो हमारे नाम को जानते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो गई ना कि आप किसी को मतलब बदनाम कर दीजिएगा, कहिएगा तुम कैसे नहीं बताता है, देखते हैं कैसे नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है खान साहब, खान सर आप मत बताइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए जरा, कि आप एक वीडियो है, उस वीडियो में आपने तिलक लगाया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, जरा भगवा कपड़े पहनने के, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूं। वो हमारा ही, हमने उसको देखा है। हाँ तो उसका क्या ताल्लुक है सर, ये कपड़े पहनने से क्या हो सकते हैं? चलिए पहले वीडियो दिखा देता हूँ, मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए जरा वीडियो, आप भी देखिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। वीडियो दिखाइए प्लीज फुल स्क्रीन पर, देखिए आपको वीडियो दिख रहा है, आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो आप देखिए, ये आप ही का वीडियो है, ये दरअसल ये कंफ्यूज करता है और ये बात बार बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंह का वीडियो है। हम आपको दिखा दें एक चीज, सुनिए, ये मेरे पीछे देखिए आप, दिखाइए हम आपको दिखा, ये यहाँ देखिए, ये आप कैमरामैन से बोलिए जरा फुल स्क्रीन करें, बोला फुल स्क्रीन पर ही है, आप फुल स्क्रीन पर ही है, हाँ ये देखिए ये फैसल, ये यहाँ दिख रहा है, ये इसको लोग जो भी बोलिए आप, इनको फैजल खान कहिए, अमित सिंह कहिए, आप इन्हें खान सर कहिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या तो पहने दो आप? कंफ्यूजन क्यों? और यहाँ देखिए ये क्या है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। नहीं वो तो अच्छी बात आप है, हमसे सुनिए, आप हमसे कुरान की संस्कृति है, तभी मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद कर रहा हूँ। फराज सैफी जी आप हमसे कुरान पूछिए, कुरान कहाँ से शुरुआत होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप वहां से पूछिए, हमसे पूछिए, लेकिन आप साथ साथ हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, हम दोनों बता, मेरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हमारा या आपका ये जिसका मजहब हो वो हर मजहब की इज्जत करने की इजाजत देता है। जब हमारे ऑफिस में पूजा पाठ होती है मैं भी बैठता हूँ उसमें, हाँ। कोई मुसलमान उसमें कोई एतराज नहीं है, ये सब हमारे देश की परंपरा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर रहते हैं, ये भारत की संस्कृति है। सबसे बड़ी बात ये कि कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा एक चीज मुझे, एक हाँ
हमारे 10 मिलियन होंगे हम बता देंगे। ये तो फिर आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका मतलब ये कहें हम? नहीं सर, हम बेवकूफ नहीं, मतलब आपको टारगेट है। आपको सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि आपको फॉलोअर्स बन जाएं, आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल जाएं, 130 करोड़ देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको? हमने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे सर? आप देखिए सर, आप भी हम बता रहे हैं कि हर इंसान को इस दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसी आजादी, हम भी उसी संविधान को मानने वाले हैं, हमारे में भी है। आप बात नहीं समझ रहे, अगर हम यहाँ बता देते हैं तो हम उनके आगे एक तरह का ये होगा कि झुक गए। अच्छा, आप बात समझिए, हम आप ही के चैनल पे आके बताते ठीक है? ठीक है, देखिए ये जो तस्वीरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि मैं जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आप इधर फैसल खान भी मुझे दिख रहे हैं, इधर आप मुझे अमित सिंह भी दिख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये भारत की संस्कृति है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा मुझे पढ़कर सुनाइए, क्या सुना सकते हैं आप मुझे? देखिए जबरदस्त हमको नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं। हां देखिए, जैसे हम लोग सुनिए बताते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि ठीक है जाना ना, ठीक है तो मृत्युंजय यज्ञ करके बताना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ के सुनाने वाले थे, सुनाइए जरा पढ़ के आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अब आप कहिएगा कि अलिफ लाम मीम सुनाओ, तीसो पारा सुनाओ, सूरह सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे अब हम आपको यज्ञ सुने, हिंदू धर्म का भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। तो क्या हम नहीं, देश से निकाल दें? बहुत अच्छी बात है, देखिए ये हमारे भारत की संस्कृति है।